हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड दोस्तों, फाइनली भाई 2023 में आज मैं आप लोगों के लिए MT125 की वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि मैं भाई आपको बता दूं इस साल में ये पहली वीडियो है। तो ये मत बोलना भाई कि फिर से वही कॉन्टेंट बना रहे हो, ठीक है। और कुछ न्यूज़ भी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, इसलिए मैं दोस्तों आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। बात करने वाले अपकमिंग यामाहा MT125 के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में MT125 के बारे में कंप्लीट बात करने वाले। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं अपकमिंग यामाहा MT125 के बारे में। सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं लॉन्च डेट और अवेलेबिलिटी के बारे में, उसके बाद बाकी की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो MT125 है, फिलहाल अभी आप लोगों को ये बाइक रिसेंटली यूरोपियन मार्केट में देखने को मिलती है, जो यूरोपियन मार्केट में ये बाइक अवेलेबल है। और वहाँ पर यामाहा ने इस बाइक को अपडेट भी करके लाया, जो कि TFT डिस्प्ले वाली आई है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट के बारे में। सो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इंडियन मार्केट में ये बाइक आप लोगों को देखने को मिल सकती है 2023 के मई से जून मंथ के बीच में, क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी 125 की सेगमेंट की जो बाइक है ना, इनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है। तो यामा भाई प्लान कर रहा है कि इस बाइक को अब शायद इंडियन मार्केट में लाना चाहिए, क्योंकि MT15 ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बाइक है, बट इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और यामा भी ये चीज़ समझता है कि भाई इसका प्राइस इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब हमें 125 सेगमेंट की बाइक जो है इंडियन मार्केट में प्लान करना चाहिए। तो ये दोस्तों बाइक का लॉन्च डिटेल्स है, बस आप इतना देख सकते हैं वीडियो, उसके बाद आप चाहे तो स्किप कर दें क्योंकि मैं इसके बारे में ही बताऊंगा। तो भाई आपका कोई मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, दो मिनट मुझे लगता है यार मैंने आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, अगर टाइम वेस्ट किया होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसके डिज़ाइन प्लस लुक के बारे में अगर बात करें, तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप लोगों ने MT125 देखनी है आपको, तो आप लोगों ने अगर MT15 देख ली तो आप लोगों ने MT125 भी देख ली, क्योंकि यार दोनों का जो लुक है वो आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। और एक्चुअल में दोनों बाइक के लुक में आपको कोई भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं फ्रंट में। देखिए फ्रंट में आप लोगों को बाइक में वही छोटी छोटी LED DRL लाइट देखने को मिलती है, और मेन लाइट में आपको बाइक में सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाती है, और मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत अच्छी लाइट मिलती है, इससे बाइक का जो लुक है ना वो काफ़ी अच्छे निकल के आता है। बात कर ले इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में आपको बाइक में अपसाइड डाउन यानी कि USD फोक सस्पेंशन बाइक में देखने को मिलते हैं, और ड्यूक 125 के बाद ये दूसरी ऐसी बाइक हो सकती है मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट में, जो कि आप लोगों को अपसाइड डाउन यानी कि USD फोक सस्पेंशन के साथ में देखने को मिले। बात कर ले दोस्तों टायर साइज़ के बारे में, तो बाइक में आपको फ्रंट में अराउंड 180 के आसपास के जो टायर साइज़ है वो फ्रंट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बात करें इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में आपको बाइक में सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको बाइक में देखने को मिलेगा। प्लस बात कर ले प्लेट साइज के बारे में, तो फ्रंट में आपको बाइक में वही 282 mm की जो ब्रेक प्लेट है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इस बाइक में आपको इंजन टाइप में 124cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOSC जो इंजन है वो हमें इस बाइक में देखने को मिलता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, मैक्सिमम पावर में 14.7 की PS पर है, जो कि 10,000 RPM में पावर जनरेट करेगी, एंड 11.5 का जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो आपको बाइक में देखने को मिलेगा, जो कि 8,000 RPM पे पावर जनरेट करेगी। मतलब भैया नाम खाली इसका 125 है, बट इसमें आपको जो पावर देखने को मिल रही है वो किसी 150 से 160 सेगमेंट की बाइक के कंपैरिजन में उससे कम पावर नहीं मिल रही है, पर पावर बहुत अच्छी है बाइक में। कूलिंग सिस्टम में ध्यान रखिए बाइक में लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, जो कि रेडिएटर यूज़ किया जाएगा। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में बाइक आने वाली है, प्लस बाइक में आपको 6 गियर नंबर ऑफ 6 स्पीड गियर बुक जो है आपको बाइक में देखने को मिल जाएंगे। बात करें अगर इसकी माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में, तो माइलेज में दोस्तों ये बाइक अराउंड 47 के आसपास का जो माइलेज निकाल सकती है, 47 to 50। 0 to 100 में इसको 14 सेकंड लगते हैं। टॉप स्पीड इसकी 120 से 125 किलोमीटर पर आवर के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो आपको बाइक में देखने को मिलेगी। रियर में आते हैं, टेल लाइट में बाइक में आपको जरूर LED टेल लाइट देखने को मिलेगी। रियर में 140/70 के टायर रहेंगे, प्लस रियर में आपको बाइक में 220 mm के आसपास की डिस्प्ले मिलने वाली है, और रियर में आपको बाइक में मोनोशॉक जो सस्पेंशन है वो बाइक में
मिलेंगे। बात कर लेते हैं इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। सो दोस्तों, स्पीडोमीटर में आप लोग एक अपडेट भी जान लीजिए कि इन्होंने भाई एक अपडेट लाया है अभी MT125 में, जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब यामा ने इसमें TFT डिस्प्ले दे दिया है। जी दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा TFT डिस्प्ले आ चुका है, जो कि आप देख ही पा रहे ऑफिशियल इनकी वीडियोज़ में, मतलब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की वीडियोज़ में। बात कर लें इसके फीचर्स के बारे में, तो बहुत सारे फीचर है, लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, डिस्टेंस टू MT इंडिकेटर, और बाइक में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों बाइक में आपको जो फीचर्स देखने को मिल रहे हो, बहुत सारे फीचर्स जो है बाइक में देखने को मिल जाते हैं। तो ये था दोस्तों यामा MT15 का कंप्लीट स्पीडोमीटर। बात कर ले दोस्तों अब इस बाइक के प्राइस के बारे में कि इंडियन मार्केट में आएगी क्या प्राइस जा सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन मार्केट में ये बाइक अराउंड 1,20,000 से 1,30,000 रुपीज़ के आसपास की एक्सरूम प्राइस जा सकती है, मतलब 1.5 लाख रुपये के आसपास की अगर ये ऑन रोड प्राइस आएगी तो भी मेरे हिसाब से दोस्तों ये वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। बाकी दोस्तों कौन कौन यामा MT125 का वेट कर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई इसका वेट तो मैं भी बहुत दिनों से कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं कब तक ये बाइक आती है। और भाई बार बार अगर आप लोग को लगता है वीडियो बनाते हैं, तो भाई वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जब भाई देखो ऑब्वियसली बात है, जो बाइक चल रही है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में वीडियो बनाई जाती है। सो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।